कि जितने भी बड़े ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और आप इनको नम्रता से प्रणाम करो, पैर छूकर के प्रणाम करो, ये आपकी मदद है, ये आपको शिक्षा दी जाती है। उनका आदर करना, प्रणाम करना और उनका उनको सम्मान देना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तुम ये कहो बहुत बुरा है, बहुत खराब है, उससे कोई मतलब नहीं, तुम किसको प्रणाम करते हो ये सब तुम समझो। तुम ये क्यों नहीं समझो कि मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं, उसमें जो भगवान की आत्मा बैठी है उसको प्रणाम करो, तुमको कोई दोष नहीं, तुम्हारी मर्यादा अपनी जगह पर रहेगी, तुम्हारी सेवा अपनी जगह पर रहेगी और वो उसको स्वीकार करे ना करे उनकी बात होगी, लेकिन तुम्हारा ये काम फिर जो भय जो है सम्मानित जो स्थान है उनके ऊपर कभी मत बैठो, कुर्सी पर चारपाई पर सेवादारों को बैठने की जरूरत नहीं, नीचे बैठो। जो भी कोई क्रोधी हो, गाली देता हो, उनके उनके विस्तार छो कि हमसे भूल चूक हो गई होगी तो हमको क्षमा करना, हम कोई हमारे गलती हो तो हमको बता दें, आपका काम ये है। इन सब चीजों को, इन गुणों को मन सपनाए, जब इन गुणों को मन सपनाता है वही धर्म, गुणों की जरूरत है, इन गुणों को बहुत लोग अपना लेंगे और इनको यही सिखाया गया है। हमने तो ऐसी चीजें भरी है जो कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं कोई घास जंगल में थोड़ी खोद रहा था, मैं तो आदमी बना रहा था, आदमी के बनाने में लगा था, आदमी बन जाएंगे तब तो सब कुछ हो जाएगा, आदमी बनेंगे तो क्या हो, तो आदमी बनाने में लगा हुआ और बराबर लगा हुआ। अब आदमी जब बना करके तैयार किए तो वो आप आदमी बनाए, वो आपके लिए अब जुटेंगे, पहले खुद बनेंगे फिर आपके लिए जुटेंगे। तो असली चीज यह है कि आदमी बना था, आदमी बनेंगे तो क्या, पशु तो पशु है, उसे पशु को क्या क्या और क्या बोले, तो मेहनत करना ये कारदारी था, जैसा जिसको समय मिले, कोई नाम कोई पुरवा यदि छूटने ना पाए वो सब आपको इशारा कर दिया गया और आप जो तक जो खासकार है वो आप इसमें इनकी बातों को सुने और आप लोग जरा सा सहयोग दें अपने स्वयं के संगठन के लिए। जब स्वयं के संगठन के लिए आप अपना सहयोग देने लगोगे तो आपकी चीज तैयार हो जाएगी और ये जल्दी काम होना है, देश की जरूरत नहीं, जल्दी काम, क्योंकि इस बारे में समय ज्यादा नहीं, इस बारे में समय कम है और उसी समय के अंतर्गत ये काम होना की आवश्यकता हो सकती है। आप अपना काम समझिए, हमने दिन में आपको बता दिया, उस पर ध्यान रखिए और अमल कीजिए, सब चीजें आपके सामने आएंगी। बोलो जय गुरुदेव, अब मेरी बात सुनो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा, अब वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा, जो मंत्रोक में गुरु है कहते हैं ब्रह्मा भी है विष्णु भी है शिव भी, और गुरु जो है ईश्वर भी है गुरु ब्रह्म भी है गुरु पार्वती, अब उनका बोध का बोध कराएगा तो गुरु उनमें होकर और नहीं आएगा तो बहुत बहुत कराएगा, इसलिए जो बात है वो अपनी जगह पर उनको कोई काट नहीं देता। अब तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आता है कि तुम महात्माओं के संसर्ग से संग से दूर हो गए, इस वजह से इसका मोह नहीं, ऐसे जीत तो आपकी थी, सबको मोह होना चाहिए था। बोलो जय गुरुदेव। अब नए लोग कुछ रह गए, आज बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि हमको भी नाम दे दिया जाए, हम देर में आए थे,
तो कल तो हुआ नहीं, जो लोग कल आए थे या रात को तो बेचारे रह गए। तो चलो आप जितने भी पुराने हो नए कर लो, क्योंकि किसी को नाम ना याद हो, किसी को रूप ना याद हो, ये तो नए कर लीजिए। अरे जय बार किताब पढ़ोगे कई बार याद हो जाएगा, किताब को पढ़ के रख दोगे भूल जाओगे। तो ये तो आपके लिए और भी सौभाग्य है कि हमको फिर भी ताजा करा दिया जाए। तो नए लोग उनको भी और पुराने लोग उनको भी, तो नामदार ने भी ये एक बात का ध्यान रखना कि सब लोग साकारी हो जाओ और शराब पीने के लिए बिल्कुल बात नहीं। वैसे तो वक्त और समय की बात है, क्योंकि आपको भजन करना है इसलिए शराब जो कहते हैं 200 मर गए, 400 मर गए, 500 मर गए, 600 मर गए। अभी तुमने देखा था कि ढंडोरा पिटा हुआ है सती का। कोई कहता है कि सती होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए वो भी नकली, और जो कहते हैं होना चाहिए वो भी नकली, वो दोनों नकली हैं। उनको दोनों को राज मालूम नहीं, दोनों भेद से अधिक। लेकिन ये दोनों के दोनों जो कह रहे हैं उसमें राजनीति का खड़ा है। वो सोचते हैं मेरा पाप सिद्ध हो जाए, सोचते मेरा पाप हो जाए, और इस पाप सिद्धि अखाड़े में कुछ समझ में नहीं आता। आप एक शराब एक ऐसी चीज, 200 मर गए, 600 मर गए, 50 मर गए, क्या आप इसको नहीं समझते? ये तो सती से भी ज्यादा जुलूम। अरे भाई घर में बैठी हुई औरत, घर में पति बैठा हुआ, वो देखती है कि मेरा पति परमेश्वर है और मैं अब क्या करूंगी, यहां मेरा ये परमेश्वर पति है ये जा रहा, मान लो कि फौरन कृपाण करा करके मार दे, आप क्या करते, ये मुझे बताइए। किसी के मन की बात तो आप जानते हो, पिता चल रही आप जलाने गए आग लगी, स्त्री पीछे से चली गई आपको ध्यान क्या गिर पड़ी और चल गई उसके साथ में। लेकिन ये चीज तो आप रोक नहीं सकते हो, पर जो रोक सकते हो कि शराब में 600 मर रहे, 50 मर रहे, 200 मर रहे, ये तो तुम रोक सकते हो। नहीं, ये सती से भी ज्यादा जुर्म और अपराध है। अगर भारतीय कानून को आप विधान को जानते होते तो आज किसी का प्रबंध कर दिया होता, और कुछ नहीं, ये खत्म हो रहे हैं। ये सती से ज्यादा नहीं अपराध। आज मार दिया बच्चे को, औरत को मार दिया, आदमी को मार दिया, इससे भी ज्यादा खाली राजनीतिक इसमें किसी की स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, सब धोखा खा जाएंगे, उसका कुछ होने वाला नहीं। अरे इसको रोको, जो जिसको रोकने का तुम्हारे पास हाथ है उनको रोकिए, जिसका हाथ नहीं उनको रोकने में पड़े हुए हो, कागज खराब करते हो, अखबारों का रेडियो का बात कुछ नहीं, दोनों के दोनों भूले थे। अरे भाई किसी को बैराग हो गया, घर से निकल, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कोई राज छोड़ दे तो आप क्या करोगे? मेरे मतलब की बात में फंसे हुए लेना देना। वैसे अगर पति की बात बता दी जाए तो कितने लोग तमाम क्या कटा रहे हैं।